जब कभी तन्हाइयों में बैठता हूँ तो ये लफ्ज़ मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। ये लफ्ज़ों को कागज़ पे उतारना भी एक नशा है, और ये नशा हमेशा सच ही निकलवा देता है। ये ज़िंदगी और इस ज़िंदगी को लफ्ज़ों के ज़रिए कागज़ पे उतारने का नशा जब मिल जाते हैं तो साला मार ही जाते हैं। स्क्रिप्ट में चेंजेस क्यों करना था मुझे? म्यूजिक की कला भी एक पोइट्री है, इसे हम सुन के गा के महसूस करते हैं। अब मैं एक गीत सुनाने वाला हूँ जिसे मैं तो हमेशा जुड़ा हूँ, देखिए आपको कैसा लगता है। सही बजाया एकदम। राहुल यार तूने कुछ दिन से कुछ नहीं सुनाया, आजा आ कुछ सुना दे यार। इतना अच्छा गाना खत्म हुआ है और अरे यार सुना दे यार, आजा आजा कोई नहीं। यार तुम किसी मोड़ पे लगा, जैसे अकेली थी मैं सफर के दोराहे पे खड़ी, परेशान थी मैं, एक परछाई करीब आते देख थोड़ी सहम सी गई, पर आहट तेरी पहचान कर बेफिक्र थी मैं, चाहे कोई भी हो हर जन्म में कबूल है तू, हर कीमत पर तुझे पाना मुझे मंजूर है। मेरे प्यार का कभी इम्तिहान न देना, तुझसे दूरियां सह नहीं पाऊंगी, हर मुश्किल लगेगी आसान अगर तेरा साथ हो। बस इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। आज नजरें मिली उस शख्स से तो लगा जिंदा हूं अभी मैं, किया जो कसूर जुदा होके उस कसूर के लिए शर्मिंदा हूं मैं। ये जो गुजरते हुए वक्त के साथ जा रहा है तेरी यादों को समेटे हुए, खुले आसमान में उड़ रहा वो परिंदा हूं मैं। उड़ता रहा यूं ही हवाओं के साथ मैं तेरे एक दीदार के लिए, और सोचता रहा कि काश साया ही मिल जाए तेरा प्यार के लिए। गम और मायूसी ये शायद अब मेरे ही नाम थे, तेरे ख्याल और तेरी यादें ही अब हर शहर हर शाम थे। कई चेहरे दिखे और कोशिश भी की कई बार तुझे उन खूबसूरत चेहरों में पाने को, पर क्या सुना है कि कोई आता है कभी बिना लकीरों के हाथ की किस्मत जगाने को। Thank you.
यू नो व्हाई डिड आई ब्रिंग यू हियर? मतलब अच्छी जगह है काफी, पॉसिबली इसलिए काफी बिल्डिंग्स हैं, पूरी सिटी दिख रही है हमें इसलिए। नो आदित्य, सो क्यों बुलाया यहाँ पर? मतलब क्यों बुलाया? मैं हार गया हूँ, आई एम फेड अप। टेल मी क्यों बुलाया? नहीं, आई एम नॉट, मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ हुआ क्या। पापा ने एक लड़का देखा है मेरे लिए, जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना मेरे डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं एंड ऑल दिस, डर लग रहा है मुझे। Really love me ना, मुझे प्यार करती हो? पागल हो क्या? क्या पूछ रहे हो? See, decision तुम्हारा है। I will respect that decision जो तुम लोगी। I have always respected you and your decision. I know तुम्हारे डैड ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा है। He has taken care of you. But for me, Tish, तुम मेरी मॉम हो, तुम ही मेरे डैड हो, तुम ही मेरी फैमिली हो तीश, मेरी फैमिली। यू नो आई वोंट लेट यू गो सो इजीली। आई लव यू। तो क्या करें हम? तशा, आई मीन तुम्हारे डैड को मेरे बारे में पता होने के बावजूद भी वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं? लाइक सीरियसली, तुम्हें तो पता था ना, तुम्हें तो पता है, उन्हें भी पता है हमारे बारे में, राइट? और वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, आई मीन तुम समझा नहीं सकती क्या उन्हें? वो गुस्सा हो जाएंगे। यार तशा, तुम बड़ी हो चुकी हो, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। कभी तो डिसीजन लो अपना, तुम बड़ी हो। आई नो ही हैज टेकन केयर ऑफ यू, बट यू आर ग्रोन अप नाउ। प्लीज स्टैंड फॉर मी, टेक अ स्टैंड। अच्छा चलो ठीक, मैं घर पे आके तुम्हारे डैड से बात करूं। गुस्सा हो जाएंगे। आई डोंट नो हाउ ही रिएक्ट। बट हमें कभी तो रियलिटी फेस करनी है, राइट? मैं घर आता हूँ, डैड से बात करता हूँ, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपनी टेंशन निकाल के फेंक दो और इधर आ जाओ। Come.
क्या हाल चाल है भाई? क्या है भाई, कुछ परेशानी लग रहे हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ मदद चाहिए तो बोल दो। सोती रही ये किस्मत यूं ही, और शायद कुछ हम भी मदहोश थे उस खोई हुई चाहत के ख्यालों में। और इस सब के बीच बेवजह उलझती गई जिंदगी खुद के ही सवालों में। जवाब तो शायद मिले नहीं, और सोच की गहराइयों में वो और गहरे समाते गए। और हम भी यूं मदहोश थे कि ख्वाबों में उनकी यादों के महल बनाते गए। हर रोज आंख खुलती रही और वो यादों के महल ढहते रहे। और हमारी मदहोशी का आलम भी कुछ यूं था कि हम उन यादों के सहारे रहते रहे। आज जब उन उम्मीदों के सूरज डूबने लगे तो फिर क्यों मिले हो तुम? यादों के वो गुलदस्ते देके अब फिर हो जाओगे गुम। नरेश, ये स्क्रिप्ट में इतने सारे चेंजेस क्यों हैं यार? क्यों चेंज किया? ये क्या है यार? मैंने तुझे अपना अच्छा दोस्त मानकर सब कुछ सच बताया, और तूने क्या किया? सब कुछ स्क्रिप्ट में लिख दिया। क्या यार नरेश, देख नरेश, मेरे दिमाग में हजारों चीजें चल रही हैं अभी। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तू प्लीज किसी और को कास्ट कर ले यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। शूट कब करना? बता दूंगा। सुधांशु, बाइक की चाबी मिल सकती है प्लीज? थैंक यू।
मैं घर आता हूँ और डैड से बात करता हूँ। शूट कब करना है? ये जो जिंदगी थी, ये एक जिंदगी भी कम पड़ी है तेरी यादों को भुलाने को। और आज जब इसे अलविदा कह रहा, तूने फिर से उम्मीद दे दी तुझे अगली जिंदगी में पाने को, तुझे अगली जिंदगी में पाने को। स्क्रिप्ट में चेंजेस क्यों करना था मुझे?